नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। राहुल मणिपुर रवाना, कोहरे के चलते फ्लाइट लेट, थौबल से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होगी। नेताओं ने नारे लगाए, न्याय का हक मिलने तक। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज यानी 14 जनवरी से मणिपुर के थौबल से शुरू होना है। राहुल कांग्रेस नेताओं के साथ इम्फाल के लिए रवाना हो गए हैं। दिल्ली में घने कोहरे के चलते उनकी फ्लाइट में देरी हुई। कांग्रेस नेताओं ने नारा लगाया, न्याय का हक मिलने तक। यात्रा की शुरुआत पहले इम्फाल से होने वाली थी, लेकिन बाद में पार्टी ने जगह बदलकर 34 किलोमीटर दूर थौबल कर दी गई। कांग्रेस सीनियर लीडर जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी इम्फाल आएंगे और सबसे पहले खोंगजोम युद्ध स्मारक जाएंगे। इस युद्ध स्मारक का महत्व सिर्फ मणिपुर ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। 20 मार्च को खत्म होने वाली यात्रा 15 राज्य और 110 जिलों के 337 विधानसभा सीटों को कवर करेगी। इस दौरान राहुल गांधी बस से और पैदल 6713 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करेंगे। ये मणिपुर से शुरू होकर नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होते हुए महाराष्ट्र में खत्म होगी। कांग्रेस की न्याय यात्रा को लेकर पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने शनिवार 13 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृतकाल के सुनहरे सपने दिखा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि पिछले 10 साल अन्याय के काल रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 10 साल में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अन्याय हुआ है, उसी को ध्यान में रखते हुए भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली जा रही है। कांग्रेस पार्टी के मन में क्या है, इस बारे में राहुल गांधी जनता के बीच जाकर बताएंगे। यह एक वैचारिक यात्रा है, चुनावी यात्रा नहीं है। यात्रा की परमिशन पर पॉलिटिक्स, कांग्रेस की न्याय यात्रा शुरू होने से पहले ही परमिशन को लेकर चर्चा में रही। पार्टी इसकी शुरुआत मणिपुर की राजधानी इम्फाल से करने वाली थी। इसके लिए उसने 2 जनवरी को राज्य सरकार से हफ्ता कोंगजेइबुंग मैदान से यात्रा शुरू करने की परमिशन मांगी थी। इसके लिए उसने 2 जनवरी को राज्य सरकार से हफ्ता काइनजोइंगबुंग मैदान से यात्रा शुरू करने की परमिशन मांगी थी। कानून व्यवस्था का हवाला देकर पहले इससे इनकार कर दिया गया, हालांकि 10 जनवरी को कुछ शर्तों के साथ इसकी अनुमति मिली। सरकार ने कहा कि कार्यक्रम स्थल पर 1000 से ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके बाद कांग्रेस की मणिपुर अध्यक्ष केशव मेघचंद्र ने कहा कि शर्तें हमारे लिए चिंताजनक थी, इसके बाद हमने जगह बदलकर थौबल करने का फैसला किया। थौबल प्रशासन ने कांग्रेस के सामने शर्त रखी कि ये कार्यक्रम 1 घंटे में खत्म हो जाए। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।